नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही हम बात करने जा रहे हैं कि इस कैबिनेट की बैठक से नई नियमावली को मिल सकती है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि इस कैबिनेट बैठक से नई नियमावली को मिल सकती है मंजूरी। शिक्षा मंत्री का बड़ा आश्वासन आया है, इस माह के अंत तक शुरू हो जाएगी बहाली की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बहाली की प्रक्रिया को इस माह के अंत तक शुरू करने की बात जो है वो कही जा रही है। स्पष्ट शब्दों में, जब विधानसभा सत्र चल रहा था उस समय भी बिहार के शिक्षा मंत्री ने यही बात कही थी कि हम बहाली की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, इस कैबिनेट की बैठक से जल्द मंजूरी मिलने के पूरे आसार लगाए जा रहे हैं। तो इस कैबिनेट बैठक से नई नियमावली को मंजूरी मिल सकती है, आश्वासन पे आश्वासन जो है वो आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री का आश्वासन है कि इस माह के अंत तक शुरू हो जाएगी बहाली। बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अब जल्द से जल्द शुरू होने जा रही है। शिक्षकों का आंदोलन अब सफल होने जा रहा है। मीडिया से खास बातचीत में बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि नई नियमावली को इस कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिलने के पूरे आसार हैं और इस माह के अंत तक नियोजन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करना उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। जहाँ जहाँ भी शिक्षकों के पद खाली हैं उन्हें शीघ्र भरना है। शिक्षा मंत्री ने बड़ा आश्वासन दिया है कि जल्द ही शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी और उसके बाद प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। और कहा गया है कि विज्ञापन इसी माह के अंत तक होगा जारी। नियमावली का ड्राफ्ट तैयार है, 20 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक से यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि नियमावली को जल्द से जल्द जो है मंजूरी मिल सकती है। तो स्पष्ट कर दिया गया है, शिक्षा मंत्री का एक आश्वासन आया है और आश्वासन के द्वारा ये बात रखी गई है कि शिक्षा मंत्री का आश्वासन है कि इस माह के अंत तक जो है बहाली की प्रक्रिया जो है शुरू होने के पूरे आसार लगाए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कैबिनेट से जल्द इसे मंजूरी भी दी जा सकती है। तो इस कैबिनेट की बैठक से नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। और शिक्षा मंत्री का देखिए एक बड़ा आश्वासन आया है, आप देख सकते हैं आश्वासन जो है शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा है कि इस माह के अंत तक शुरू हो जाएगी बहाली की प्रक्रिया। वहीं दूसरी ओर बिहार के अभ्यर्थी अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं विज्ञापन जारी करवाने के लिए। कुछ लोग सड़कों पर उतरे हैं तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो खबर आ रही है दोस्तों कि इस कैबिनेट बैठक से नई नियमावली को मंजूरी मिलने के पूरे आसार लगाए जा रहे हैं। और यही कैबिनेट की जो बैठक है, अब मैं आपको पत्र भी दिखा देता हूं जो सचिवालय से जारी हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा है मंत्रिमंडल सचिवालय और 20 तारीख को देखिए मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे से मंत्रिमंडल की जो है वो बैठक होने जा रही है और इस बैठक में जो है बड़े फैसले लिए जाने की पूरे उम्मीद है। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे यहां पे दिखाई दे रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। और स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तमाम बातें लिख दी गई है कौन कौन उपस्थित रहेंगे यहाँ पर। और इस बैठक में ऐसे बड़े आसार लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ बढ़िया जो है हो सकता है। तो उम्मीद और आसार है कि भाई जल्द से जल्द मंत्रिमंडल की बैठक से कुछ सकारात्मक जो है बात उभर के आ सकती है और इसी कैबिनेट की बैठक से नियमावली को मंजूरी मिलने के पूरे उम्मीद और आसार लगाए जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 20/12/2022 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे से मंत्रिपरिषद की जो है वो बैठक सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।